नमस्कार दिव्य ज्ञान चैनल रो सुनो बालक मन दे कार्यक्रम को मु रजनीकांत पंडा आपन को स्वागत छ। आज रो गल्पटी हेउछि साधु ओ असाधु। ए गल्पटी आरंभ करबा थरे जने गुप्तचर आसी राणी को जणाइला कि राज्य रे एक भंड साधुंकर आविर्भाव होइछि जे कि विभिन्न प्रकार भंडानी कथा कहि विभिन्न प्रकार अतिरंजित करी कथा कहि च कौशल रे कथा कहि लोकमानको बोका बनेबा सहित लोकमानको ठरु अर्थ हरण करूछि एवं लोकमाने सरल विश्वास रे तार कथा रे भळी जाय ताकु विश्वास करी ताकु निजर समस्त धन संपत्ति प्रदान करछंती एवं से समस्तंकु ठकी चलिछि। एहि कथा रे जदिओ राणीकर चिंतित होबार कोनोसी कारण नथिला तथापि बिसे चिंतित होइथिले एथिपई कारण एकमात्र राजकुमार मध्य से साधुंकर अधीन को जाइथिला एवं सरल विश्वासी राजकुमार से साधु को विश्वास करि जाइथिला। थरे राजसभा रे राजा एवं राणी उभय लक्ष्य कले जे राजकुमारंकर हस्तरे थिबा दिव्य मुदिटी जो बहुमूल्य मुदि काटी आउ नाही से पचारेमा पचारंते राजकुमार कहिले जे ताहा से साधु आनंद रे ग्रहण कले से साधु को ताहा दबारु से साधु तो प्रथमे कुंठित होतिले तापर तांको अनुरोध करिवारु से ग्रहण कले एवं सबुठारु आश्चर्यर विषय हेउछि जे सेही मुद्रिकाटी तांको आंगुठीकी मध्य ठीक भाबरे खाप खाइला। एहा कोन कम चमत्कार विषय एहा मध्य तांको कृपा बलरो ही होई पारिछि। सरल विश्वासी राजकुमार तांकु राणी नै एकांत रे पचारिले जे तुमे से साधु कठारे एमिति कोन देखिलो जे तांको तुमे महात्मा बोली भाबुछ ना महात्मा बोली भाबी पाबै गोटे जिनिस नु हे तांका पाखरे एमिति अनेक गुण रहिछि से बादल ऊपर उड़ी जाउथवा पक्षी मानकर पर मध्य बणी देई पारंती से दूर देश रे थिबा ग्राम रे केते जन संख्यक जनवसति रहिछि ताहा मध्य कहि देई पारंती से पहाड़ आरपटे थिबा ग्राम रे के के जदि केबे रोग रे पड़िछि ताहा मध्य से एहिठारे बसी कहि देई पारंती। राणी अतिशय आनंदित होबार अभिनय करी कहिले जे एफळे जणे जदि महात्मा आम राज्यर राजधानी रे आसी बसवास करछंती तेबे एहा कोन आमर उचित नुहे कि से महात्मा को आम राजदरबार को डाकी तांको जथा साध्य सम्मान प्रदान करैबा। राजकुमार आनंदित हेले से जाई सेही साधु को जणाइले जे आमर एही राज्यर राणी मोर माता आपन को सम्मानित करैबा पई राजसभा को निमंत्रण करैछंती। साधु वेश धारी सही भंड कोन कले ना मिछरे द्विधार अभिनय करी जीवा पई द्विधा मन रे जात हेतुबार अभिनय करी जणाइले कि मु तो एमिति साधारण रे कोठी भोजन ग्रहण करे नाही तथापि जेबे तो जेहेतु तुमे राणी को तरफ रु मते निमंत्रण करूछ मु जदि एहा को अग्रह करे तबे एहा एही राज्यर अपमान हेबो तेनु मु निश्चिंत भाबरे जीवी। उपयुक्त दिन उपयुक्त समय रे सही साधु राजकुमारों सहित अनुगत मान सहित राजदरबार में प्रवेश कले। राजा तो जाई दूर देश को सही समय राणी हस्त में संपूर्ण दायित्व निहित थिला। राणी कौन कले ना सुस्वागत जनइले हठात से साधु चली जाऊ समय अटकी जा आखि की अर्धनिमिलित करी किछ क्षण रहिले एवं कहिले दूर हो नहले एक शक्त प्रहार करी भी, एक गोईठा मारी तुमको विताड़ित कर देबी। समस्त आश्चर्य हेले राणी किंतु आश्चर्य हेले नाही। समस्त पचारिले कौन हला ना 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 मो जेहु समय रे जहां को कथा भाबे से समय रे तांको चतुर्पार्श्व रे कौन घटुची ताहा मध्य जानी पारे। एही समय रे मो द्वारिकाधीशक कथा भाबुथिली एवं देखि पारिली जे द्वारिकाधीशक मंदिर रे एक मद्यप बलपूर्वक प्रवेश करुछि सेठारे थिबा पुजारी माने ताहाकु अटकाउ नाहांती अवहेलारु से मंदिर भितर को प्रवेश करुथिला एवं मोर धमक शुणी से एबे बाहरी जाइछि भयर कोनोसी कारण नाही। समस्त आश्चर्यजनित हेले प्रणाम कले बा बा कले किंतु राणी अतिशय आश्चर्य हेबार अभिनय मात्र कले। एहिपरि राणी कौन कले ना से साधु को भोजन कक्ष को निमंत्रण कले एवं रोषेशाला को जाई राजकुमार एवं साधु दुईटी पात्र रे खाद्य आनी परिवेशन कराइले। दास दासी माने ताकु आनी खाद्य थाली परिवेशन करैले। परिवेशन करि सारिबा परे साधु जनक देखुछन्ती जे राजकुमारंकर थाली रे एक बड़ लड़ू थुआ जाइछि किंतु तांक थाली रे नाही आ समस्त खाद्य समान अछि सेही लड़ूटी ही नाही। तेणु साधु बारंबार राजकुमार थाली आड़े देखु था देखी राणी कहले आरे मु तो साधु लड़ू पाड़ी एक पात्र तुम्हें कौन भूल नहीं आसी पार ना कि
ଏହା ଶୁଣି ସାଧୁ ମନେ ମନେ ପ୍ରୀତ ହେଲେ ଯେ ଯାହା ହେଉ ମୋର ଲଡ଼ୁଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ନାହିଁ, ମୋର ଭାଗ ଅଛି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଲଡ଼ୁ ମିଳିବ। ଏହା କହିସାରି ରାଣୀ କହିଲେ, ହେ ସାଧୁ, ଆପଣ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ରୋଷେଇ ଶାଳରେ ଲଡ଼ୁଟି କିଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ସାଧୁ ମୃଦୁହସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣାଇଲେ, ହଁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି, ଲଡ଼ୁଟି ସେହିଠାରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ରାଣୀ କହିଲେ, ନା ନା, ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି, ଲଡ଼ୁ ଆପଣଙ୍କର ପଲଉ ତଳେ ରହିଛି, ଆପଣ ପଲଉକୁ କାଢି ଦେଖନ୍ତୁ। ସତକୁ ସତ ସେ ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ପଲଉକୁ କାଢିଦେଲେ ତା ତଳେ ଲଡ଼ୁଟି ଥିଲା। ରାଣୀ କହିଲେ, କଣ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଦୂର ଦେଶରେ ଥିବା ଶହ ଶହ କୋଶ ଦୂରରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ କିଏ ପ୍ରବେଶ କଲା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆପଣଙ୍କ ପଲଉ ତଳେ ଲଡ଼ୁଟି ଅଛି ତାହା ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ସାଧୁ ଲଜ୍ଜିତ, ସାଧୁ ବେଶଧାରୀ ସେହି ଭଣ୍ଡ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଏବେ ହିଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭଣ୍ଡାମୀ ବେଶ ଛାଡ଼ି ନିଜ ବେଶରେ ସ୍ଥାନରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ଆସିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ରାଜା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏହା ଶୁଣି ସେହି କ୍ଷଣି ହିଁ ସେହି ସାଧୁ ବେଶଧାରୀ ଭଣ୍ଡ ସେଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ରାଜକୁମାର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏହିଭଳି ଭଣ୍ଡ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କି ପ୍ରକୃତ ସାଧୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ କୌଣସି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ, ପ୍ରକୃତ ସାଧୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଚମତ୍କାରର ଆଶା ନ ରଖି ସାଧୁଙ୍କର ଉପଦେଶ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କରିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଗଳ୍ପଟି। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ।